अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। बड़ा विशेष है और ये आज आपको यहां बैठे लोगों से भी जाहिर हो रहा होगा कि आज बहुत कुछ विशेष है। आज जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो शायद हिंदी टेलीविजन पे इससे पहले इस तरह से नहीं हुआ। यूं नहीं हुआ कि हमने बच्चों की कई प्रतिभाओं को देखा है, हमने उन्हें अद्भुत नृत्य करते देखा है, हमने उन्हें सुर में गाते देखा है, लेकिन कविता की प्रतिभा और वो भी इस उम्र के बच्चों में वो शायद हिंदी टेलीविजन पे पहले कभी नहीं आया। और आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि आज बाल दिवस है, ये दिन बच्चों का है। तो आइए वाह भाई वाह, दुनिया भर के देश भर के तमाम बच्चों के नाम ये आज का एपिसोड समर्पित करता है, हमारा बाल दिवस विशेष देश के बच्चों के लिए, दुनिया के बच्चों के लिए। एक बार कहिए वाह भाई वाह। और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है, मैं हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर तब आया था जब मैं कुल जमा 10 बरस का था। 10-11 बरस की उम्र में मैंने हिंदी कविताएं पढ़ने की शुरुआत की, प्रारंभ किया और वहां से लेकर आपकी मोहब्बतों से यहां तक पहुंचा। इसलिए जब किसी बच्चे में, छोटी उम्र के लोगों में प्रतिभा देखता हूं तो मेरा दिल बहुत प्रसन्न होता है। मुझे लगता है कि इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ना चाहिए और उसी कड़ी में आज हमारे साथ ये लोग बैठे हैं और इनके साथ वो लोग भी बैठे हैं जो बच्चों को राह दिखाने वाले हैं, बच्चों के मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, उनके रास्तों को रोशन करने वाले हैं। तो आज का एपिसोड यकीन मानिए मुझे नहीं मालूम लेकिन दिल से आवाज आ रही है कि इतना विशेष, इतना खास होने वाला है जिसकी हद नहीं। हमारे बीच चार ऐसे बच्चे बैठे हैं जो मैं चार कहूंगा क्योंकि इस बच्ची को भी बच्चा ही कहूंगा क्योंकि इन चारों की उम्र मिला के जो उम्र है वो राजीव राज की उम्र है। और ये हमारे बीच में बैठे हैं, भाई बच्चों का क्या किया जाए, बच्चे बड़े कमाल के हो गए हैं आजकल। मैं बात कर रहा था शौर्य डबास से इस एपिसोड को प्रारंभ करने के पूर्व और मुझे लगा कि बात करनी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि जिस ढंग से वो बात कर रहा था मुझे लगा कहीं मुझे बेच ना आए, क्योंकि ये आज की पीढ़ी बड़ी कमाल की है। ये आजकल की भी 4G 5G वाली पीढ़ी है, यू नो 4G 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है जी। हमारे जमाने में 2 ही G होते थे, गुरुजी और पिताजी, और एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। हम तो ऐसे ही थे, परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते थे तो पूछा लोगों ने क्या किया, मैंने कहा कुछ पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है तो टॉपर्स के साथ बैठा करो। मैंने टॉपर्स के साथ बैठना शुरू किया, फिर पूछा क्या हुआ, मैंने कहा उन्हें समझ में नहीं आ रही है। बच्चे तो बच्चे होते, अच्छा इनसे बातचीत भी ठीक ढंग से की जानी चाहिए क्योंकि आप इन्हें कोई ऐसी बात ना बताएं कि इन्हें फिर अर्थ ढूंढते समय लगे, भी अपना अर्थ खुद ढूंढ लेते हैं। जैसे एक पिताजी सुबह सुबह शेव कर रहे थे, अब हिंदुस्तान के पिताजी जब शेव करते हो नल खुला छोड़ देते हैं, उसकी जरूरत हो चाहे न हो। अब नल खुला है, अब बेटा है, पापा है, पानी कहां से आता है, बोले नदी से आता है। पिता इनका तड़का दो, बच्चों को तड़काओ मत, सही जवाब दे दो, उसका पूरा प्रोसेस समझाओ, कहां से आता है पानी, बोले नदी से आता है। अच्छा मुझे नदी देखनी है। पिताजी नदी दिखाने गए, उसने बाप को धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद दौड़ते हुए घर में आए, मम्मी नल खोलो पिताजी आ रहे होंगे। बड़ा कमाल के बच्चे, क्योंकि मेरी एक लाइन बड़ी मशहूर हुई राजीव, एक जमाने मैंने कहा था कि सन 2000 के बाद हमारे देश में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, हमारे बाप ही पैदा हो रहे हैं और ऐसे पैदा हो रहे हैं कि पूछो मत। इनकी प्रतिभा का कमाल है भाई, अद्भुत कमाल है। मेरी बिटिया जो इस वक्त तो मेरे ख्याल से साक्षी आपसे एक आध साल बड़ी होगी वो उम्र में, लेकिन जिस वक्त वो काव्या की उम्र की थी या बहुत इससे भी छोटी थी तो मेरे पास आई एक बार और आके बोली एक हाथी है। हाँ मैंने कहा बोलो बेटा, तो एक केला है। हाथी ने केला नहीं खाया क्यों, ये क्या सवाल हुआ यार, एक हाथी एक केला, हाथी ने केला नहीं खाया क्यों, नहीं खाया उसकी मर्जी होगी, नहीं केला प्लास्टिक का था।
अब दो मिनट फिर आई, मैंने कहा अब क्या हुआ बेटा, अब बता, फरा नाम है उसका, तो मैंने कहा अब क्या हुआ बेटा। उस जमाने की जब वो छोटी थी, अब तो कद में मेरे बराबर है और अब मैं उससे इस ढंग से बात नहीं कर सकता क्योंकि वो ज्यादा समझती है मुझसे। थोड़ी देर फिर आई, 12 केले हैं, एक हाथी है, हाथी ने केला नहीं खाया, क्यों? मैंने कहा केले प्लास्टिक के थे। नहीं, बोले आपके हाथी प्लास्टिक का था। कमाल, अद्भुत है, इनसे बात करना, इनके साथ रहना इतना अच्छा लगता है जिसकी हद नहीं। दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, अब आप देखा कंपटीशन होता है जब बच्चे लड़ते हैं। एक लड़का बोला मेरे पापा तेरे पापा से अच्छे हैं। बोले नहीं मेरे पापा तेरे पापा से अच्छे हैं। बोले मेरे दादा तेरे दादा से अच्छे हैं। बोले नहीं मेरे दादा तेरे दादा से अच्छे हैं। बोले मेरी मम्मी तेरी मम्मी से अच्छी है। बोले होगी, पापा भी यही कहते हैं। तो ये कमाल के बच्चे हैं जो देश भर की प्रतिभाएं हम ढूंढ के लेके आए हैं। इनमें से एक को मैंने व्यक्तिगत तौर पे सुना था, बाकी दो के बारे में सुना था, और जब उन्हें सुना तो मुझे लगा इन बच्चों का होना यहाँ बहुत आवश्यक है। उनमें से एक है दिल्ली से हमारे बीच में, जो पूसा रोड की एक विद्यालय में पढ़ते हैं, उनका नाम है शौर्य डबास, जो हमारे बीच में बैठे हैं। स्वागत करते हैं शौर्य डबास का, जिसकी उम्र जो है कुल जमा 10 साल है, लेकिन बड़ी पक्की बात करता है। हम शौर्य का स्वागत करते हैं। शौर्य के पास जो बैठे हैं उनका परिचय मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन इन तीन बच्चों चारों बच्चों का पहले मैं परिचय करा देता हूं। ये जो बैठी हैं इनका नाम काव्यश्री जैन है और ये नैनीताल जिले में एक कस्बा है, वहां रहती है। बेटा कहाँ रहते हो आप? बाजपुर। जी बाजपुर। बाजपुर में काव्यश्री रहती है और बहुत सम्मान स्वाभिमान और बड़े विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ कविताएं पढ़ती है। हम स्वागत करते हैं काव्यश्री का, जो खुद 10-12 साल की बच्ची है। झांसी के पास एक जगह है टीकमगढ़, वहां से आते हैं, बड़े कमाल के कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं। लाल कोट में क्या हैंडसम लग रहा है ये लड़का, देखो शानदार। तुम्हारी उम्र में बेटा हमारा जब पहला कोट बना था वो भी पिताजी के कोट से कट के बना था। मैं सच बता रहा हूं, जब पहला कोट मेरा बनाया गया, जब मैं शायद कवि सम्मेलन के मंचों पर आ गया और सर्दियों में जब जाने की जरूरत पड़ी, पिताजी के कोट को काटा गया और उससे बनाया गया, और पैंट भी उनकी पैंट से काट के बनाई गई। अब वो पैंट ऐसी बनी कि एक जेब दूसरे से भिड़ी रहती थी। लेकिन ये तो बड़ा हैंडसम सा लड़का है, लाल कोट पहन के बैठा है और इसका नाम है वेद पस्तोर। हम स्वागत करते हैं वेद पस्तोर का। और दो राह दिखाने वाले ऐसे गीतकार हमारे बीच में हैं जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्रिय हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत खूब लिखते हैं और देश भर में अपना नाम किए हैं। और आज ये भी बच्चों की बात करेंगे, वो गीत सुनाएंगे जो वैसे इन्होंने मंचों पे कभी नहीं सुनाया और कहीं नहीं सुनाया, लेकिन आज उसकी बात करेंगे। ये है गजेंद्र प्रियांशु और राजीव राय। और एक और बच्ची हमारे बीच में बैठी है जो शायद कुछ वर्ष पहले जब इतनी छोटी सी रही होगी तब हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे आई और इसने अपना नाम करने का प्रयास किया और देश की बात करते हुए, ओज की बात करते हुए, उमंग की बात करते हुए, उत्साह की बात करते हुए ये लड़की आज इस आत्मविश्वास के साथ इस मंच पर पहुंची। और जब स्वाधीनता दिवस के एपिसोड में हमने उसे बुलाया तो सारे देश में पूछा गया कि ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है, वो है साक्षी तिवारी। हम स्वागत करते हैं साक्षी। राजीव कैसा लग रहा है आज इस एपिसोड में आपके? बहुत खास, बहुत अनमोल से पल हैं। अनमोल से पल हैं, ऐसा क्यों है? हम लोग जिंदगी की भाग दौड़ में तमाम लक्ष्य साधते साधते जिंदगी जीना भूल जाते हैं। क्या बात है, इन बच्चों के साथ इस एपिसोड में हम फ्लैशबैक में चले गए। गजेंद्र कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें इन बच्चों के साथ बैठ के? सर ये इससे तो बात हुई अभी, तो ये तो बड़ा चंचल निकला, ये हमारी बच्ची है और ये वेद है, तो थोड़ा सा जैसे लगा कि जैसे बचपना याद आ गया और जैसे मैं बहुत भूले बिसरे जो पिछले दिन थे उनमें लौट आया, तो अभी मेरे को चार पंक्तियां मुझे स्मरण में आ गई। हाँ, कि बड़े भोले बड़े भोले बड़े प्यारे बड़े नादान लगते हैं, बड़े भोले बड़े प्यारे बड़े निष्पाप लगते हैं, बुढ़ापे में जो मेरी उम्र तो बुढ़ापे की नहीं है लेकिन लगभग लगभग मैं उस ओर बढ़ रहा हूँ, बुढ़ापे में बचपने की हमको छाप लगते हैं, जो हंसते हैं तो लगता है कि सारा घर महकता है, जो हंसते हैं तो लगता है कि सारा घर महकता है, शरारत पर उतरते हैं तो मेरे बाप लगते हैं।
मैं बताऊं आपको एक घर की बात। गजेंद्र की एक बिटिया है छोटी, 5 साल की है, 5 साल की बिटिया। और गजेंद्र जो है वो कार्यक्रमों में विचरण करते रहते हैं, और जब वो गजेंद्र को फोन करती है तो हेलो नहीं बोलती, और बेटा कहाँ हो। ये सच्ची बात है कि नहीं गजेंद्र? जी जी बिल्कुल, आज आज भी पूछ रही थी, आज ही पूछ रही थी। और बेटा कहाँ हो, कैसा महसूस होता है उस वक्त? वही तो कह रहा हूँ कि वो मेरे बाप लगती है। साक्षी, आपकी उम्र इनसे कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, आपको कैसा महसूस हो रहा है इन लोगों के बीच में? मुझे इनका आत्मविश्वास देखकर आत्मविश्वास आ रहा है। मुझे तो आत्मविश्वास मैं खो रहा हूँ इनका देख के, मुझे डर लग रहा है। इतना कॉन्फिडेंस है इन तीनों में ही कि वो बहुत इंस्पायरिंग है। अरे खतरनाक कॉन्फिडेंस। हमारे मोहल्ले में एक बच्चा, उसे कोई मिलने गए तो जाते ना लोग घर में मेहमान, तो बैठे चाहे और बेटा आगे क्या करोगे है ना, जब कोई काम नहीं होता ना तो सब पूछते ही है बच्चों से, और बेटा क्या करोगे आगे, नमकीन खाऊंगा गुलाब जामुन तो छोड़े नहीं है आपने। ये कॉन्फिडेंस बड़ा कमाल का है। तो आइए इन बच्चों के कॉन्फिडेंस को प्रणाम करते हैं, आत्मविश्वास को प्रणाम करते हैं। मजाक, ह्यूमर, मुस्कुराहट, ठहाके, तबस्सुम, ये एक और है, लेकिन ये भविष्य है विश्व का, ये भविष्य है दुनिया का, ये भविष्य है कविता का। 10-12 वर्ष की उम्र में जब ये पक्की बात करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। और जब कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए हैं, तो बालकवि बैरागी जी की 4 पंक्तियां मुझे याद आती है, वो कहते हैं क्या कहा अंधेरा जीत गया, और क्या कहा उजाला हार गया, और क्या कहा सूरज के सारे ही कुनबे को लकवा मार गया। नहीं नहीं, ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है, और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। ये पीढ़ी जो है वो बड़ी कमाल की पीढ़ी है। आइए इस पीढ़ी को प्रणाम करते हैं, आइए बाल दिवस के दिन दुनिया भर के बच्चों को प्रणाम करते हैं, इनकी मासूमियत को प्रणाम करते हैं, इनके बचपन को प्रणाम करते हैं, बचपन में छोटे छोटे झगड़ों को प्रणाम करते हैं, बचपन में थोड़ी छोटी छोटी शिकायतों को प्रणाम करते हैं, बचपन में छोटे छोटे झूठ को प्रणाम करते हैं, बचपन में छोटी छोटी मांग और चाह को प्रणाम करते हैं, बचपन में छोटे छोटे बस्तों को प्रणाम करते हैं, बचपन में उन किताबों को प्रणाम करते हैं जिस पर लेबल लगा के बड़ा खुश होता है बच्चा, उस कलम को प्रणाम करते हैं जिसे लिख के अगर ख़त्म हो जाए तो नहीं पाने के लिए वो मचलता है, उस स्कूल बस को प्रणाम करते हैं जिसमें जाने के लिए वो दौड़ता है, स्कूल की उन दीवारों को प्रणाम करते हैं जिनमें वो आगे बढ़ने के सपने देखता है, उन माँ बाप को प्रणाम करते हैं जो बच्चों के सपनों को जिंदा रखते हैं। आइए हम देश भर के और दुनिया भर के बच्चों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं वाह भाई वाह। और इस महफिल की शुरुआत करते हैं, और महफिल की शुरुआत में ही मैं बुलाना चाहता हूं एक ऐसे बच्चे को जिसे मैंने सुना और मुझे लगा कि इसे टेलीविजन पे आना चाहिए, और मैंने उसी दिन उसे वादा किया था कि बेटा जल्दी हम टेलीविजन कैमरों के सामने मिलेंगे, और आज वो दिन आ गया है। हम बुला रहे हैं शौर्य डबास को, जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार आदरणीय शैलेश जी और दर्शकों जो टीवी के माध्यम से हमें देख रहे हैं। कोरोना काल को कोई भूल नहीं सकता, मतलब लॉकडाउन के चलते हम सभी घर पे थे, और इन्हीं के बीच कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें थी हमारी, और बच्चों के लिए तो ये काल स्वर्णिम काल के समान था। अच्छा, स्वर्णिम काल था, बहुत अच्छे। ऑनलाइन क्लास तो बस बहाना है पढ़ने का, चल तो बच्चों की छुट्टी ही रही थी। सही बात है। और चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, छुट्टियां तो हर एक को प्यारी हैं। इन्हीं भावों के साथ मैं शौर्य डबास आप सभी के सामने अपनी कविता आंख में चोली प्रस्तुत करता हूँ। वाह। पता भी न चला और दिन बदल गए, ऑनलाइन से कब ऑफलाइन हुए और सपने बिखर गए। बहुत अच्छे। छुट्टियां हर एक को प्यारी हैं, गर्मी की हो या सर्दी की, और दशहरे की आए बड़े दिन भाई, जब तक ना आया था चीन से मेहमान, कुएं के मेंढक जितना था ज्ञान, दुनिया में फैला जब इसका प्रपंच, वसुदेव कुटुंबकम को कर दिया इसने सच। हाँ। कोरोना ने स्वप्न भरे 2 साल दिखाए, छुट्टियों के भी अंबार लगाए। इतिहास का तो पता नहीं,
पर बच्चों को स्वर्ण काल दिखा। वाह, वाह। मुश्किलों से था हमें बचाया, मुश्किलों से था हमें बचाया, होमवर्क क्लास वर्क में ही समाया, सिलेबस को इसने स्लिम करवाया, क्वेश्चन पेपर रह गया था चौथाई, क्लासेस अब कमाल हो। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन की आंख में चोली में सोए सोए से हम पढ़ने को तैयार, नहाने से लेकर नाश्ते की मार, वॉशरूम की दौड़ में सबमिशन का चक्कर, वॉशरूम की दौड़ में सबमिशन का चक्कर, मैदानों से दूर हम कोनों में छिप जाएं, निगाह बचा सभी से ऑनलाइन हो जाएं। वाह। म्यूट अनम्यूट का मंत्र था भारी, म्यूट अनम्यूट का मंत्र था भारी, जिसने लगाई नैया पार हमारी। लगाई नैया पार हमारी। चौथी से पांचवी तक का सफर सुहाना, पांचवी से छठी तक सारे गामा गाना, स्कूल की लाइफ चल रही थी मस्त, और कोरोना का वायरस अब हो गया था पस्त, खुशियों का हो गया सूर्यास्त, वैक्सीन की अब हुई थी आस, फिर भी कुछ दिन इस शंका में गुजारे, फिर भी कुछ दिन इस शंका में गुजारे, खुलेंगे स्कूल या ऑनलाइन रहेंगे प्यारे। हाइब्रिड की चिंता अब सताने लगी थी, सिस्टम की मूर्छा अब जाने लगी थी, हुए ऑफलाइन सब कुछ नया था, स्कूल का बस्ता जैसे अभी ही खुला था, क्लास में हम सारे घबराते थे, कोई देव अब बचाने नहीं आते थे, एग्जाम हुए तो लिखना नहीं आया, याद कैसे करूं यह समझ नहीं पाया, हाय कोरोना तूने मुझे भरमाया, मुझ जैसे बच्चों को अधर में लटकाया, चेतना में मेरी यह जागृति आई, मेहनत और पढ़ाई से ही कामयाबी आई, अगर चीनी प्रोडक्ट ने फिर धोखा खिलाया, सावधान है अब हम तो शॉर्टकट से बचेंगे, जो कमी रह गई उसे पूरा करेंगे, जो कमी रह गई उसे पूरा करेंगे। वाह शौर्य, वाह, धन्यवाद। शौर्य बैठने के बाद पूरा वही फीलिंग है जैसे एग्जाम खत्म हो गया, अपना काम हो गया, अब करो तुम लोग। भाव वही था, शौर्य का अंदाज वही था, लेकिन बिल्कुल बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ये जो बस्तों का बोझ है, तब मुझे सूर्य कुमार पांडे जी की सिर्फ एक पंक्ति याद आती है, वो कहते हैं केजी टू का बच्चा है और टू केजी का बस्ता है, हालत ये है कि बोझ बढ़ता जा रहा है। लेकिन तुमने कोरोना की बात की तो मुझे अचानक बात याद आई, एक बाप ने पूछा ये जब दो साल का लॉकडाउन हो गया और बेटे को पूछा कि भाई क्या इरादा है ट्वेल्थ के बाद क्या करेगा, क्या करूंगा, बढ़ाओ के बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनूंगा और कोरोना के खिलाफ लड़ाई करूंगा, बोले शर्म कर जिसकी वजह से बिना एग्जाम के पास हो गया है। आज का हमारा पूरा एपिसोड समर्पित है इन बच्चों को, और खासतौर पर हमारे साथ ये बाल कवि बैठे हुए हैं, और उनके साथ वो कवि हैं जिनके बाल अभी बचे हुए भी हैं, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। शौर्य डबास जब पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था बाकी सब लोग तो ठीक है, एक जो महिला प्रथम पंक्ति में बैठी हुई है उनका उत्साह बिल्कुल अलग था, ये जो बैठी हुई है इनसे आपका कुछ परिचय है? हाँ, वो मेरी मदर है। अरे वाह क्या बात है, नमस्कार, क्या नाम है आपका? गरिमा शर्मा। गरिमा जी कैसा लग रहा है आपको शौर्य को राष्ट्रीय मंच पर देख के, इतने बड़े कवियों के साथ ये बैठा है, आज गजेंद्र प्रियांशु राजीव राज और ताक्षी और इन लोगों के साथ ये बैठा हुआ है जो देश के बड़े बड़े कवि हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? शैलेश जी एक ही बात कहूंगी, बच्चे की वजह से आज जो आप मेरी पूछ कर रहे हैं, जो मेरा नाम हुआ है, वो एक माँ के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। क्या बात है, वैसे हमारे जमाने में मेरी वजह से मेरे माँ बाप की पूछ थी। तो पूछ के दायरे बदल जाते हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों को बड़ा आत्मविश्वास दिया है, और ये कह रहा था मुझे थोड़ी देर पहले घर जाके बताना, आप चुपके से कह रहा था मैं बताऊं सर आपको, स्टाइल भी यही था इसका, मैं बताऊं सर आपको मेरे पापा चैनल में काम करते हैं एक में, और मैं भी वहां गया था, जिस प्रोग्राम में मैं गया उसकी टीआरपी पापा के प्रोग्राम से ज्यादा आई,
ये कॉन्फिडेंस बड़ा कमाल का है, तो ये घर पे भी ऐसा ही कॉन्फिडेंट रहता है? जी बिल्कुल, हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर, एनर्जी से भरपूर रहता है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी यहाँ आने के लिए और शौर्य को ये शिक्षा दीक्षा देने के लिए कि वो हिंदी कविता की ओर प्रेरित हो। जब आजकल के बच्चे कविता भाषा इन सबसे विमुख होते जा रहे हैं, उस वक्त यदि कोई कविता करता है तो मुझसे ज़्यादा प्रसन्नता किसी को नहीं होती। और ऐसी एक बच्ची हमारे बीच में बैठी है जो बाजपुर नैनीताल से हमारे बीच में आती है और जो बहुत आत्मविश्वास के साथ पढ़ती है। जब उससे बातें की मैंने इस एपिसोड को प्रारंभ होने से पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी महसूस हुई कि हिंदी कविता की पताका फहराने के लिए एक ऐसी पीढ़ी तैयार है जिनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। और ऐसी एक बच्ची को हम बुला रहे हैं, काविश्री जैन, जोरदार तालियों के साथ। मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ और मंच का भी ध्यान चाहूंगी। बेटी हूँ मैं कविता की, सदा रस धार बहती हूँ, जगत की देव धरती है, मैं हिंदुस्तान रहती हूँ, यहाँ के वीर योद्धा भारती माँ के पुजारी सुरक्षित है वतन जिनसे उन्हीं की बात कहती। हाय हाय, वाह काविश्री वाह। मैं 4 पंक्तियां और सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत मेरे गीतों में स्वरों का साज करती हूँ, काव्य नाम है मेरा, दिलों पर राज करती हूँ। कोई भी प्रांत हो चाहे कि या फिर भाषा बोली हो, मेरी सरजमी है ये वतन पर ना। क्या बात है, मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। काव्य की शान को किसने माना नहीं, बेवजह का मैं गाती तराना नहीं, जिस बाल दिवस है, मैं बाल दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को याद करते हुए 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। क्या बात है, सुनिएगा। धरती सूरज चांद सितारे जिनके गीत सुनाते हैं, वीर बाकुरे नित पूजे जाते हैं, उन चारों साहिब सादों का याद हमें बलिदान रहे, उन चारों साहिब सादों का याद हमें बलिदान रहे, बच्चा और निवेदित करना चाहती हूँ, सुनेगा जी। लड़ना है तो आप लड़ो, इस देश की खातिर लड़ बैठो। वाह, हमारे देश की फौजी क्या कहते हैं, सुनेगा। लड़ना है
क्या बात है काव्यश्री। और इस स्टूडियो की ऑडियंस में जो व्यक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहा है वो मैं समझ सकता हूं कि वो वही हो सकता है, वो पिता हो सकता है जो अपनी बेटी को इस बुलंदी पे चढ़ते हुए देखे। मैं बात करना चाहूंगा जी। वैसा नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सुरेंद्र कुमार जैन नाम है आपका। सुरेंद्र जी, कैसा लग रहा है आज आपको? मेरे लिए ये नया नहीं है, हालांकि आज विशेष है। पिछले 200-250 मंच करने के बाद काव्या पहली बार बंबई आई है और वाह वही वाह के कार्यक्रम में आई है। और बहुत अच्छा इस बात से भी लग रहा है कि काव्या श्री ने आज फिर वैसा ही परफॉर्मेंस दिया है जैसा मैं चाहता था और जैसा ऑडियंस चाहती थी। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी टीम को, कि काव्याश्री को आप आज बम्बई आपने बुलाया और बहुत शानदार ये कार्यक्रम आपने किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपकी बात में एक छोटा सा परिवर्तन करना चाहूंगा। अगर पेरेंट्स एक वाक्य को बदल देना तो जिंदगी बच्चों के लिए भी, इस पीढ़ी के लिए भी और हमारे लिए भी सुखद हो जाएगी। जब आपने कहा कि काव्य ने ऐसा काव्य पाठ किया जैसा मैं चाहता था, हमें नहीं चाहना चाहिए, उसे वैसा करने दीजिए जैसा वो चाहती है, उसके बाद जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। जी बिल्कुल। आइए बढ़ते हैं आगे। जब इन बच्चों को इतनी पक्की बात करते हुए देखते हैं तो एक आत्मविश्वास जागता है। और आत्मविश्वास के ऐसे ही गीत के लिए मैं बुलाना चाहता हूं मेरे बड़े प्रिय, मेरे अनुज गजेंद्र प्रियांशु को। जोरदार तालियों का। सबसे पहले तो वाह भाई वाह के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और उनके दर्शन से ही लगातार हमारा शो बहुत आगे जा रहा है। आज ये बड़ी खुशी की बात है, बाल दिवस है और आदरणीय शैलेश जी ने भी अपने बच्चों को याद किया। मैं भी बच्चों से दूर हूँ, मैंने भी उन्हें याद किया, मैं बड़ा भावुक हो गया। और ये बच्चे बैठे हैं, इनसे बातें करके मन बड़ा खुश सा प्रसन्न सा लग रहा था। और ये बच्चे हैं भी बड़े नटखट से, प्यारे से, आप देख ही रहे हैं लगातार। और इनका इतना कॉन्फिडेंस है काव्य पाठ में कि उसको देख के हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। बात सही है। लेकिन दूर दूर तक जो बच्चे इस शो को देख रहे हैं, मैं उन बच्चों के लिए और इन अपने प्यारे बच्चों के लिए मैं कहता हूँ, हंसती गाती दुनिया में, इस हंसती गाती दुनिया में तुम हो सबसे प्यारे। हम सब अब हैं ढलते सूरज, तुम उगते ध्रुव तारे। हम सब हैं अब ढलते सूरज, तुम उगते ध्रुव तारे। बाहर से नटखट चंचल हो, बाहर से खट चंचल, तुम भीतर से निश्चल हो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम आने वाला कल हो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम आने वाला कल हो। चढ़ती नदिया की नैया हो, चढ़ती नदिया में नैया हो, यशोदा के कुंवर कन्हैया हो। जग होता जाता शेष नाग, जग होता जाता शेष नाग, तुम कल के नाग नथैया हो। जग होता जाता शेष नाग, तुम कल के नाग नथैया हो। हम जीर्ण शीर्ण बट वृक्ष और, हम जीर्ण शीर्ण बट वृक्ष और, तुम आशाओं के फल हो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम आने वाला कल हो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम आने वाला कल हो। रोना मत सुख दुख के क्रम में, रोना मत सुख दुख के क्रम में, जीवन के क्रूर उपक्रम में, जीवन के क्रूर उपक्रम में, रह लेते भाग्य अयोध्या के, रह लेते भाग्य अयोध्या के, ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में, ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में, तुम पर्ण कुटीरों में पलते, तुम पर्ण कुटीरों में पलते, सपनों के राज महल हो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम आने वाला कल हो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम आने वाला कल हो। मेरे प्यारे बच्चों,
वाह। और जैसे ही गजेंद्र पढ़ के बैठे, शौर्य अब्बास ने बहुत अच्छा पढ़ा, जो हाथ मिला के बधाई दी है। क्या बात है गजेंद्र, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम सीनियर्स के साथ में बैठे हुए हो। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, ये बच्चा नहीं, ये तो मेरा बाप है। मैं जब से बैठा हूँ ये मेरा लगातार कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। क्या बात है, सही में बच्चे कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, अच्छों का कर देते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम कॉन्फिडेंस दें, हम बाकी लोगों को बुलाएं। उसके पहले मैं एक ऐसे बालक को बुलाना चाहता हूं। प्रतिभाएं जगहों की मोहताज नहीं होती, प्रतिभाएं बड़े बड़े विद्यालयों की मोहताज नहीं होती, प्रतिभाएं धनी परिवारों की मोहताज नहीं होती, प्रतिभाएं पैसों की मोहताज नहीं होती। ये तो झोंपड़ी में भी पल सकती है और गुलड़ी के लाल कई होते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैं मुंबई के एक सलून में बैठा हुआ था, बाल कटवा रहा था, और वहां जो लोग हैं उनको बोलते, सर हमारे यहाँ एक लड़का ऐसे देखो, बड़ा छोटी उम्र का लड़का है लेकिन कुछ कहने की कोशिश करता है। उनका सुनाओ, उसे दो पंक्तियां सुनाई। जब हम लिखना शुरू करते हैं, राजीव, गजेंद्र, साक्षी, जब छोटे होते हैं हम लोग, उस वक्त हमें पता नहीं होता कि काफिया क्या होता है, या रदीफ क्या होता है, या तुकांत क्या होते हैं, या हमें किस तरह से भाषा को गढ़ना चाहिए। लेकिन भाव बड़ा प्रबल होता है और वही जीवन में महत्वपूर्ण है, भाव प्रबल होना चाहिए। मैंने उस लड़के को सुना जो इतनी मेहनत करता है सुबह से शाम वहां पे, वो सफाई भी करता है, बाकी जो स्टाइलिस्ट हैं उनको सामान भी देता है, लेकिन अपने भीतर कहीं एक कवि जिंदा रखता है। तो मुझे लगा कि ऐसी प्रतिभाएं अगर देश के सामने नहीं आई तो क्या फायदा है हम लोगों का। मैं उसे बुलाता हूं एक छोटे से काव्य पाठ के लिए, लेकिन पहले देखते हैं उसके बारे में ये एक छोटा सा वीडियो। मैं मालिनी मलाड में रहता हूँ। मैंने हाउसकीपिंग, वार्डरोब, काम सब अलग अलग किए हैं, साथ में कविता का भी शौक है मुझे, सब लिखता था सुनता था। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शहर से बड़ा सर का, जिन्होंने मुझे इस मंच में आने का मौका दिया। शेख तौसीफ हमारे बीच में बैठे, बुलाते हैं तौसीफ को। तौसीफ इस मंच तक आओ। नमस्ते, मेरा नाम तौसीफ है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शैलेश सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक आने का मौका दिया है, और मैं आपके सामने चार पंक्तियाँ पेश करना चाहूँगा। तौसीफ, जिंदगी में जब भी शुक्रिया अदा करना हो तो ईश्वर का करो, ऊपर वाले का करो। मैं एक माध्यम हूँ और कुछ नहीं, वो ऊपर वाला है और तुम्हारी प्रतिभा है जिसकी वजह से तुम आज यहाँ तक आए। थैंक यू सो मच। और मुझे दो पंक्तियां याद आती है कि कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था मैं। कि कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था मैं, तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था मैं। और बिता दी उम्र मैंने जिसकी एक आवाज सुनने में, जब उसे बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं। अरे वाह। और दो पंक्तियां मुझे याद आती है कि भूल कर भी आज हर अदालत में दोस्ती का नसीब हो जाए, दरमियां से ना गुजर सके ना हवा, आओ इतना करीब हो जाए। वाह। ये बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में, बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में, तूने उस्तादों से सीखा है, मैंने हालातों से। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह तौसीफ वाह। और चार पॉइंट के मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि वो बेवफा है हमारा इम्तिहान क्या लेगी, जब मिलेगी नजरों से नजरें तो अपनी नजरें झुका लेगी। वो
वो बेवफा है, हमारा इम्तिहान क्या लेगी, जब मिलेगी नजरों से नजरें तो अपनी नजरें झुका लेगी, उसे मेरी कब्र पर दिया मत जलाने देना, वो नादान है यारो अपना हाथ जला लेगी। आए, 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 वाह तौसीफ, क्या बात है। दो लाइन आपके सामने भेद करूंगा कि कब्र में वो मेरे रोने आए हैं, हमसे प्यार है ये कहने आए हैं, कि कब्र में वो मेरे रोने आए हैं, हमसे प्यार है ये कहने आए हैं, जब जिंदा था तो बहुत रुलाया हमें, अब आराम से सोए हैं तो जगाने आए हैं। चार पंक्ति में सुनाना चाहूंगा, ये पिता के ऊपर है, कि नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपनी गिरा के हंसाया हमको, कि नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपनी गिरा के हंसाया हमको, कि दर्द कभी ना देना उस खुदा की तस्वीर को, जमाना बाप कहता है जिनको। वाह वाह, बहुत बढ़िया। खुशबुओं को आप मुट्ठियों में कैद नहीं कर सकते, हवाओं को आप कमरों में बंद नहीं कर सकते, वो दरीचों से, झरोकों से, दरारों से अपना रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। तौसीफ ने इसी तरह अपना रास्ता ढूंढा है। पहली बार उसके जीवन में, पहली बार उसने कभी किसी मंच पे पढ़ा नहीं, गया नहीं, और पहली बार आया तो सीधा वाह भाई वाह में आया। क्या बात है तौसीफ। और आइए एक ऐसी प्रतिभा से हम आपको मिलवाते हैं जिसने बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ मंच पे अपने शुरुआत किए हुए, लेकिन पूरी गरिमा के साथ, पूरे ग्रेस के साथ, भाषा का संयम रखते हुए, भाषा का मान रखते हुए, अद्भुत उच्चारण के साथ पढ़ती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस मंच पे साक्षी तिवारी, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, आदरणीय शैलेश जी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, शिमारे टीम को बहुत सारी बधाई देती हूँ, और बाल दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। हम सब भी धन्यवाद देते हैं। आप सभी को सीधे सीधे पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। मैं बच्चा बन के घूमी आज जो बच्चों की टोली में, अच्छा, मैं बच्चा बन के घूमी आज जो बच्चों की टोली में, मैं बच्चा बन के घूमी आज जब बच्चों की टोली में, हजारों फूल महके आज मन की शांत झोली में, दवाएं कितनी भी ले लो नहीं उतना असरदायक, दवाएं कितनी भी ले लो ना हो उतना असरदायक, असर जितना हुआ करता मधुर बच्चों की बोली में। हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और चार पंक्तियां देखिएगा। कोई तुतला रहा है तो कोई हकला के बोलेगा, कोई तुतला रहा है तो कोई हकला के बोलेगा, बोलेगा मगर बोलेगा तो अधरों से रस के गांठ खोलेगा। आए, आए, वा, वा। मगर बोलेगा तो अधरों से रस के गांठ खोलेगा, तराजू कोई ले आओ हो सोने या किलोहे का, तराजू कोई ले आओ हो सोने या किलोहे का, मगर कोई भला मासूम का क्या प्यार तोलेगा। आए, आए। खुशबू जैसे प्यारे होते दर्पण से सच्चे हैं, कोई कुछ भी कह दे लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, कोई कुछ भी कह दे लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, खुशबू जैसे प्यारे होते दर्पण से
साक्षी तुमने अद्भुत गीत पढ़ा के बच्चे भी इस पे झूमने लगे, मैं खुद झूमने लगा। सर बच्चे तो झूमे ही, आप भी बच्चे हो गए। हम बच्चों से जब बात करते हैं, कितनी उम्र में क्यों ना हो, हम तुतलाते हुए बात कर ले, ले बेटा कहाँ जाला है, क्या करला है, तुरंत हम उसकी भाषा में बोलने लगते हैं, उनके साथ हो जाते हैं। बच्चों को आप डराएंगे, धमकाएंगे, डांटेंगे, मम्मी की तरफ मत देख शौर्य, तेरे लिए तो वो जरूरी भी है, लेकिन बच्चों के साथ बच्चा बन के रहेंगे तो वो आपकी भाषा समझेंगे, हम उनकी भावना समझेंगे। इसलिए बहुत जरूरी, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक छोटी सी बच्ची थी, शायद काव्या की उम्र की रही होगी, एक स्कूल में गई, स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल में असाइनमेंट होते हैं, निबंध लिखने वाले होते हैं, तो एक सब्जेक्ट था व्हाट यू वांट टू बी, जिंदगी में आप क्या बनना चाहते, व्हाट यू वांट टू बी इन द लाइफ, उस पे ऐसे लिख के लाइए। तो एक ने लिखा आई वांट टू बी डॉक्टर, और बहुत लंबा ऐसे लिखा, मतलब मैं चिकित्सक बनना चाहता हूँ। एक बच्चे ने लिखा आई वांट टू बी इंजीनियर, बहुत लंबा लिखा मैं ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा। एक छोटी बच्ची थी, उसने सिर्फ एक वाक्य लिखा, आई वांट टू बी हैप्पी, मैं सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ। तो टीचर ने कहा उस बच्ची को अपने पापा को बुला के लेके आओ। वो पापा को बुला के लेके आई और टीचर ने बहुत फटकारा कि आप क्या पढ़ाते हैं इस बच्ची को घर पे, इसे कुछ समझ नहीं है, एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ एक वाक्य लिख लिया, इसको असाइनमेंट समझ में, एक वाक्य लिख दिया आई वांट टू बी हैप्पी, इसको तो असाइनमेंट ही समझ में नहीं आया। उस पिता ने कहा कि मैम मेरी बच्ची को तो असाइनमेंट समझ में नहीं आया, आपको जिंदगी समझ में नहीं आया, जिंदगी में खुश रहना है तो अपने भीतर एक बच्चा जिंदा रखिए, और जब आप लौटेंगे और एक बच्चे को सुनेंगे तो आप कहेंगे कि भाई बच्चे ये भी कर रहे हैं आजकल। एक ऐसा कवि मैं आपको सुनवाऊंगा कि आप कहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है आजकल। मैं दावा करता हूं आप घर बैठ के इतने ठहाके लगाएंगे, कहेंगे कि यार ये बच्चे किस तरह से ऐसा कमाल करते हैं, अद्भुत है वो, खुद ही देख लीजिए। टीकमगढ़ झांसी से आते हैं वेद पस्तौर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय मंच, मंच पे कविता के सरताज विराजे, उनको भी सादा नमन। यहाँ पे कविगण विराजे, उनको भी सादा नमन। यहाँ श्रोता विराजे, उनको भी सादा नमन। मम्मी के सम्मान में दूल आए ने, मम्मी के सम्मान में। हाँ। मम्मिया क्या करती हैं आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। अच्छा। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। उम्र हो गई 47 की 27 बता रहे। उम्र हो गई 47 की 27 बता रही। उम्र हो गई 47 की 27 बता रही। सेल्फी डाल डाल के, सेल्फी डाल डाल के, सेल्फी डाल डाल के सोशल मीडिया पे खूब छा रहे। घर में बैठ के आटा से ज्यादा तो भी डाटा खा रहे। आटा से ज्यादा डाटा खा रहे, आटा से ज्यादा तो भी डाटा खा रहे। और आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। स्कूटर से लेके, स्कूटर से लेके हवाई जहाज तक चला रहे। और सेना में जाके अपनी जान तक लगा रहे। वाह वाह वाह। और आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। ठोको दत्ता तारी। मम्मी के सम्मान में तो हो गई, लेकिन पापा के सम्मान में भी दो लाइनें। छोड़ो मत बेटा। हाँ। आजकल के पापा भी गजब ढा रहे, आजकल के पापा भी गजब ढा रहे।
मम्मी की माई की जानी पे खुशियां मना रहे मम्मी को डायन मम्मी को डायन पड़ोसन को डार्लिंग बोला आजकल के पापा भी गजब हार बाथरूम में बैठ के मोबाइल चला रहे बच्चों की फीस भरने को पैसा नहीं दोस्तों को बियर पिला रहे ओ मम्मी का खर्च चलता नहीं पापा पड़ोसन पटा रहे आजकल के पापा भी गजब ढा रहे बहुत बढ़िया सारे लोग बैठ जाओ बस वो एक जो गरिमा जी के पीछे हैं वो खड़े रहो बस और मैं चाहता हूं इनके लिए तालियां बजाओ वही पापा है जो गजब ढा रहे हैं तो जरा इनसे मिलने जरा माइक दीजिए जरा इनके हाथ में क्या नाम है हुजूर आपका साकित पस्तूर पस्तूर साहब जी ये घर के कच्चे चिट्ठे अगर ऐसे ही खोलता रहा और आज तो इसने नेशनल टेलीविजन पे मतलब पूरी दुनिया के सामने बता दिया कविता तो घर से ही प्रारंभ होती है अच्छा जो देखा वो लिखा देखा वो लिखा मम्मी को छोड़ के पड़ोसन बता रहे हैं घर में खर्चे को पैसे नहीं दोस्तों को बियर पिला रहे हैं पस्तूर साहब क्या कहना है आपका वैसे तो कई मंचों पे होके आया जी लेकिन आज बड़ा सौभाग्य है आपके सामने इतने बड़े कवियों के सामने पहली बार किसी राष्ट्रीय मंच पे आया है बाकी टीवी में तो कई बार हो चुका है उसका लेकिन कवि के हिसाब से बाल दिवस के हिसाब से जो आज आपने कार्यक्रम किया उसके लिए मैं बहुत गदगद हूँ बहुत गदगद शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया और बच्चा जब इतना आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो एक पिता को कितनी खुशी महसूस होती है बताएंगे आप उसकी तो कल्पना नहीं कर सकते हैं लेकिन उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता मैं समझ सकता हूं इस बात को पस्तूर साहब मैं अचानक अतीत में चला गया ये तो कोट पैंट पहन के बैठा है 30 सितंबर 1981 की बात मैं निकर पहना करता था और सितंबर के महीने में जब मैंने मेरे पिता को कहा कि मैं कविताएं मैंने कुछ लिखी हैं तो उस जमाने में कला आज भी अब तो फिर थोड़ा सी जागरूकता आई है वरना यही कहा जाता है पढ़ाई लिखाई करो फालतू काम मत करो लेकिन वो सितंबर का महीना था 10-12 सितंबर की बात मैंने उन्हें कहा कि मैंने कविताएं लिखी उन्होंने सुनी और 30 सितंबर को राजस्थान में सुमेरपुर नाम का एक कस्बा था वहाँ ये जो शैलेश लोढ़ा आप सुन रहे हैं एक निकर पहन के ये लड़का अपने पिताजी ने अपने एक दोस्त का स्कूटर उधार मांगा और वो दोनों मिलके मुझे बीच में बिठा के 38 किलोमीटर दूर स्कूटर पे लेके गए और उस पहले मंच पे जब मैंने कविता पढ़ी थी तो मेरे पिता ने क्या महसूस किया होगा मैं आज आपकी बातों से समझ सकता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया अपने बच्चों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए इन बच्चों से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जीवन में जब बड़े हो जाओ आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच की रेखा बहुत झीनी होती है हम उसे कब लांघ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता शरारत कब अश्लीलता बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता कटु बोलना कब बदतमीजी हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता तर्क देना कब बेअदबी में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता इसलिए ये पता रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो बीच की रेखा है इस रेखा की मर्यादा हम हमेशा रखें लेकिन फिर भी बच्चा सोचता क्या है इस कार्यक्रम के अंत में मैं उसे बुलाना चाहता हूँ
इसका गीत सुन के आप कहेंगे कि हाँ होना तो यही चाहिए। लेकिन राजीव राज का एक गीत जो सुनने के लिए मैं भी बेताब हूं, और आप यकीन माने जब मुझे ये गीत इतना पसंद है तो आपको कितना पसंद आएगा। जगत के स्वामी कृपा निधान, मांगने आए हैं वरदान। जगत के स्वामी कृपा निधान, मांगने आए हैं वरदान, मांगने आए हैं वरदान। न जाने पूजा पाठ अजान, न जाने पूजा पाठ अजान। छोटे बच्चे हम नादान, वीर बलवान दया की खान, वीर बलवान दया की खान। कलेजा कड़ा नहीं करना, विनय हम बच्चों की सुन लो, हमें बस बड़ा नहीं करना। अरज हम बच्चों की सुन लो, हमें बस बड़ा नहीं करना। खेल कूद में थक कर हंसना, खाना सो जाना बचपन। खेल कूद कर थकना, खाना पीना सो जाना बचपन। निंदिया की क्यारी में मीठे सपने बो जाना बचपन, निंदिया की क्यारी में मीठे सपने बो जाना बचपन। जात पात मजहब वजहब ना, अपना बेगाना कोई। जात पात मजहब वजहब ना, अपना बेगाना कोई। जो हंस कर गोदी में ले ले, उसका हो जाना बचपन। जो हंस कर गोदी में ले ले, उसका हो जाना बचपन। चढ़ाए श्रद्धा से मिष्ठान, बाल हटका रख लेना मान। चढ़ाए श्रद्धा से मिष्ठान, बाल हटका रख लेना मान। कृपा के सिंधु घाट पर आज, कृपा के सिंधु घाट पर आज। उपेक्षित खड़ा नहीं करना, विनय हम बच्चों की सुन लो, हमें बस बड़ा नहीं करना। अरज हम बच्चों की सुन लो, हमें बस बड़ा नहीं करना। बड़े छल कपट गिरे ईमान, चढ़े सर दौलत का अभिमान। बड़े छल कपट गिरे अभिमान, बड़े छल कपट गिरे ईमान। चढ़े सर दौलत का अभिमान, बड़े होकर हमको भगवान। बड़े होकर हमको भगवान, बखेड़ा खड़ा नहीं करना। अरज हम बच्चों की सुन लो, हमें बस बड़ा नहीं करना। अरज हम बच्चों की सुन लो, हमें बस बड़ा नहीं करना। अरज हम बच्चों की सुन लो, हमें बस बड़ा नहीं करना। अरज हम बच्चों की सुन लो, हमें बस बड़ा नहीं करना। अरज हम बच्चों की सुन लो, हमें बस बड़ा नहीं करना। लेकिन क्या किया जाए, हम बड़े हो गए। आज इस बाल दिवस के विशेष एपिसोड में मैं जितना प्रसन्न हूँ उतना भावुक भी। मैं उस उम्र में लौट गया जब मैंने कविताएं पढ़ना शुरू किया था। मैं उस उम्र में लौट गया जब मेरे पिता मेरी कविताएं सुन के मुझे मंच तक लेके गए। मैं उस उम्र में लौट गया जहां मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से आपके बीच में खड़ा होऊंगा। मैं उस उम्र में लौट गया जहां मैं छोटे छोटे गांव में पला बढ़ता था। लेकिन गजेंद्र प्रियांशु कहते हैं तुम आने वाला कल हो, साक्षी तिवारी कहती है बच्चे तो बच्चे होते हैं, राजीव राज कहते हैं हमें बस बड़ा नहीं करना। तो मन दौड़ने लगा है। कल सोचते थे कि ये कल कब आएगा, और आज ये सोचते हैं कि वो कल चला क्यों गया।
इसलिए मैं लौटना चाहता हूं मिट्टी से भरे फूलों के बीच उन क्यारियों की तरफ, लौटना चाहता हूं पेड़ से उतरती गिलहरियों की तरफ, लौटना चाहता हूं सात पत्थर रख के उसे गिरा देने के खेल की तरफ, लौटना चाहता हूं गुड्डे गुड़िया के मेल की तरफ, लौटना चाहता हूं बिना खिलौने घर घर खेलने की तरफ, लौटना चाहता हूं पिता की डांट की ओर, लौटना चाहता हूं छुपन छुपाई में दरवाजे के आड़ की ओर, लौटना चाहता हूं क्रिकेट में पहले बैटिंग करने की ओर, लौटना चाहता हूं हार ना जाऊं इसलिए चीटिंग करने की ओर, लौटना चाहता हूं चौक तोड़ के दीवारों पर लिखने की ओर, लौटना चाहता हूं सबसे अच्छा दिखने की ओर, लौटना चाहता हूं छिले हुए घुटनों की ओर, लौटना चाहता हूं दोस्तों से पिटने की ओर, लौटना चाहता हूं उन खुशबुओं की ओर, लौटना चाहता हूं मैं बरसात के पानी में छप छप दौड़ते हुए कलकल में, लौटना चाहता हूं मां के आंचल में, चाहता हूं कि वो दिन फिर से लौट आए, चाहता हूं कि जमाने के ये समझौते न करने पड़े, चाहता हूं कि जिंदगी में भाग दौड़ न हो, चाहता हूं कि वो सुकून फिर से लौट आए, चाहता हूं कि वो गर्मी की छुट्टियों का मई जून फिर से लौट आए, चाहता हूं कि लौट आए वो खुशियों भरे दिन, वो अभाव भले ही थे लेकिन वो आंगन लौट आए। आज बाल दिवस पर यही कह सकता हूं, ईश्वर करे वो बचपन लौट आए, वो बचपन लौट आए। वाह भाई वाह।